कार्लाई में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही जहां महिला हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लगी बड़ी सफलता हाथ। जानकारी के अनुसार झांसी की थाना साई जहांपुर में बीते दिनों खेत में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 फरवरी को साई जहांपुर थाना क्षेत्र के एक ग्राम में एक खेत में महिला का शव मिला था, जिस पर पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया था। इस घटना को गंभीरता से लेकर एसएसपी राजेश एस ने घटना का सफल अनावरण के लिए मोड़ क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में थाना साई जहांपुर समतर मोड़ थाना पुलिस की टीमों को खुलासे के लिए गठित किया था, जिसमें पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इस घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। ये थाना शाहजहांपुर में 15/2/2024 को खड़ौवा गाँव में उषा नामक एक महिला की हत्या की गई थी। तो उस समय मुकदमा उसके पति द्वारा अज्ञात में लिखाया गया था। तो इसमें सीओ मोट के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पूछ यशो समथर और इंस्पेक्टर शाहजहांपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। वो टीम लगातार इसमें मेहनत की, तो मेहनत के बाद कल इसमें पुलिस को सफलता मिली। तो इसमें तीन अभियुक्त देवेंद्र, नरेंद्र और मनोज नामक तीन व्यक्ति जो शराब के आदि थे, ये 15 तारीख को जिस दिन घटना हुई थी वो उषा के पास देवेंद्र जहाँ घास काट रही थी वहीं पर देवेंद्र का खेत था। तो ये तीनों वहीं पहुँच गए और शराब के नशे में थे, तो उस महिला को कुछ कमेंट किए तो जिसके कारण इनके बीच गाली गलौज हुआ। गाली गलौज के बाद इन तीनों ने गला दबाकर उस महिला की हत्या कर दी और इसमें तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें जो भी टीम लगी थी उस टीम को पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नगद इनाम भी दिया जाएगा।